हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुपट्टा डैपिंग स्टाइल के बारे में। कौन सा डैपिंग स्टाइल आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा और किस डैपिंग स्टाइल में आप ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस नजर आएंगे, ये डिपेंड करता है आपके बॉडी शेप के ऊपर और किन मिस्टेक को करने से आपको बचना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक फॉर मोर यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक के लिए, और फॉलो करते रहिए मुझे मेरे यूट्यूब चैनल @multitaskerpriya पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए। शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स को ऐसे दुपट्टा डैपिंग स्टाइल यूज करने चाहिए जिनसे उनकी पर्सनैलिटी में हाइट का एक एंगल और ऐड हो जाए। उन्हें ऐसे स्टाइल यूज करना चाहिए जिनमें लेंथ हो और वर्टिकली हो। उनको चौड़ाई में या हॉरिजॉन्टली कोई भी स्टाइल करने से बचना चाहिए, इससे उनकी हाइट और कम नजर आती है। वर्टिकली स्टाइल करने से उनकी पर्सनैलिटी में लेंथ का एक इल्यूजन ऐड हो जाता है। तो अब बात करते हैं आपको कौन सी मिस्टेक करने से बचना चाहिए या कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। आपको ऐसी स्टाइल करने से बचना चाहिए जो कि हॉरिजॉन्टली हो, इससे आपकी हाइट और कम नजर आएगी। और अगर आप अपने ड्रेस पर बेल्ट यूज करना चाहते हैं तो बेल्ट चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट की चौड़ाई ज्यादा ना हो। पतले बेल्ट ही आपको सूट करेंगे और बेल्ट का कलर हो सके तो सिमिलर कलर में रखिए। तो आपके लिए मैं कुछ स्टाइल करके बता रही हूँ, उनमें से जो स्टाइल आपको पसंद है वो आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। आपकी टमी के आसपास एक्स्ट्रा फैट है तो उसे आप इजीली हाइड कर सकते हैं, और इस तरह के ट्रैप में आप ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लगेंगे, और ये आजकल ट्रेंड में भी बहुत है। अब बात करते हैं कौन से स्टाइल्स आपको अवॉइड करने चाहिए। ऐसे स्टाइल जो कि हॉरिजॉन्टली या चौड़ाई में हो उन्हें आपको अवॉइड करने चाहिए। बेल्ट चूज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि बेल्ट की चौड़ाई ज़्यादा ना हो और बेल्ट पतले ही यूज करें, और कोशिश करें कि वो ड्रेस के सिमिलर कलर में ही हो। और अगर आप चाहें तो ड्रेस की मैचिंग से मिलता जुलता लेस लेकर आप उसका एक बेल्ट बनवा सकते हैं। तो आपके लिए भी मैं कुछ स्टाइल करके बता रही हूँ, तो उसमें से जो स्टाइल आपको पसंद आए आप अपने ऊपर स्टाइल कर सकते हैं।
टिप्स उन लेडीज और गर्ल के लिए है जो एक्स्ट्रा हाइटेड हैं और अपनी हाइट को ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती। आप कोई सा भी दुपट्टा स्टाइल ले लीजिए, आपका हर दुपट्टा स्टाइल अच्छा लगेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको वो स्टाइल करने से बचना चाहिए जो कि वर्टिकली हो या लंबाई में हो। ऐसा करने से आपकी लंबाई और ज़्यादा दिखेगी और आप ज़्यादा टॉल नजर आएंगे। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ऐसे स्टाइल यूज़ करें जो कि हॉरिजेंटली हो और चौड़ाई में हो। और ड्रेस के लिए आपको ऐसे बेल्ट यूज़ करने हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा हो और वो ड्रेस से अपोजिट कलर में हो और कॉन्ट्रास्ट में हो। बॉडी शेप में वो गर्ल्स आती हैं जो ऊपर से लेकर नीचे तक एक सी होती हैं और उनकी बॉडी में मास कम होता है और कर्व भी कम होते हैं। उनका अपर पार्ट और लोअर पार्ट सिमिलर ही होता है और नहीं चाहते कि आप ज़्यादा लीन नजर आएं, तो आप ऐसे स्टाइल्स को अपनाइए जो कि हॉरिजॉन्टली हो और चौड़ाई में हो। और आप ऐसे स्टाइल्स भी ले सकती हैं जो शॉल टाइप में होते हैं जो बॉडी को कवर कर लेते हैं। आपको वो स्टाइल करने से बचना चाहिए जो कि वर्टिकली हो और जो लेंथ में हो, इससे आप और लीन नजर आएंगे। आप अपने लिए चौड़े बेल्ट यूज कर सकती हैं और कॉन्ट्रास्ट कलर में या अपोजिट कलर में लेंगी तो और ज्यादा बेहतर होगा। आपकी सबसे बड़ी एसेट है आपकी स्माइल और आपका कॉन्फिडेंस। पर अगर आपको लगता है कि इन टिप्स को अपनाकर आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग सकती हैं तो इन टिप्स को जरूर अपनाइए। और अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है या आप इतने सारे टिप्स याद नहीं रख सकती, तो आप उन सेलिब्रिटीज को फॉलो कर सकती हैं जो आपकी बॉडी शेप से मैच करती हैं।
तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप प्लस साइज हैं, शॉर्ट हाइटेड हैं, वेरी टॉल हैं या स्किनी बॉडी शेप की हैं, तो आप इन टिप्स को यूज़ कर सकती हैं और ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस नज़र आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स एंड आइडियाज़ के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।